You're watching Cook Smart and I'm Sanjeev Kapoor और आज के एपिसोड में सोच रहा हूँ कि क्या बनाया जाए। देखिए खाना बनाने के लिए सोचना बहुत पड़ता है। अब आप सोचते हैं नहीं सोचते, मुझे तो बहुत सोचना पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप ना सोचें, आप भी बहुत सारा सोचते हैं। लेकिन अब जैसे जो मैं रेसिपीज बनाता हूँ आप बिना सोचे उसको नोट कर लेते हैं या कहीं लिख कर रख लेते हैं, तो सोच समझ के नोट करें और साथ साथ ये सोचते रहें कि इसमें क्या बदल सकते हैं, कैसे चेंज हो सकता है, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, तभी जाके खाना बनाने मजा आता है। नहीं तो कॉपी करना तो सभी लोग कर सकते हैं, नया खुद करना उसी में मजा है। तो शुरुआत करते हैं रेसिपी की। और इस रेसिपी में ये मेरे पास है बेसन, वेजिटेरियन रेसिपी है, तो इसमें ये बेसन ले लिया। तो बेसन लेकर ये मेरे पास बेसन को इसके अंदर जरा दही डाल दी, और दही थोड़ी खट्टी वाली हो तो बहुत बढ़िया बात है। बेसन मिक्स करना है अच्छी तरह से ताकि इसमें लम्स नहीं रहे कोई भी। ये जैसे कड़ी बनाते हैं ना, बस वैसे ही कुछ बना रहे हैं। तो ये कड़ी जो बनेगी ये कुछ अलग किस्म की कड़ी है और दुनिया में पहली बार ये कड़ी बन रही है। भाई कड़ी वैसे तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर नया क्या हो सकता है। नया करने के लिए कुछ नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी। भाई इसके अंदर कोई चॉकलेट तो डालूंगा नहीं मैं, तो अगर चॉकलेट नहीं डालूंगा तो क्या डालूंगा इसके अंदर। एक्चुअली मैं डाल रहा हूँ ये भुना मसाला। ये जो भुना मसाला है ना, ये डाल के इस कड़ी को बनाया जाएगा। ये अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस भी हैं और इसके साथ साथ इसमें मतलब जैसे ग्रेवी बनाते हैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन, तो उसके अंदर सारी चीज़ें भून कर मसाला बना के अगर पहले से तैयार आप रख लें तो मसाला तैयार हो गया। लेकिन अब ये बाजार से बना बनाया मसाला वो इसके अंदर डाला है। अच्छा एक और काम करते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा तेल, क्योंकि इस मसाले के अंदर भी तेल है, तो इसको जरा मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए जो कड़ी है मसालेदार कड़ी मिक्स हो गई और अब इसके अंदर पानी। तो ये बड़ी फटाफट बनने वाली डिश, भुना मसाला डाल के इसको मिक्स कर लिया और अब इस मसाले के अंदर नमक भी है, मिर्च भी है, सारे मसाले इसके अंदर हैं, तो ये डाल लिया। और इसके साथ साथ ये मेरे पास मस्टर्ड सीड्स के साथ साथ सूखी हुई लाल मिर्च ये इसके अंदर, और इसमें हम डाल देते हैं ये लीजिए करी पत्ते। ये अच्छी तरह से फूटने लग गए, उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे मूंग की दाल की वड़ी, और ये जो है वड़ी ये इसके अंदर, और इसको जरा हम भून लेते हैं थोड़े से तेल के अंदर। तो ये छोटे साइज की बड़ी कन्वीनियंट खाने को, सॉफ्ट ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती मंगोड़ी, इसको हमने भून लिया। भाई मूंग दाल भी कमाल की चीज़ है ना, चाहे आप खिचड़ी बना लें, चाहे आप उससे पोंगल बना लें, चाहे आप उससे हलवा बना लें, चाहे ये वड़ी खिचड़ी सब चीज़ में कमाल की लगती है। और मूंग की दाल जो है हाजमे में भी काफ़ी अच्छी, मतलब हजम जल्दी हो जाती है। ये भून लिया अच्छी तरह से, और ये जो कड़ी का मिक्सचर है भुने हुए मसाले के साथ ये इसके अंदर ये लीजिए, और इसके बाद ये हमने इसे मिक्स कर लिया और इसको पकने देते हैं। ये जो कड़ी है इसको आप पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब ये कि पतला करना है तो इसमें पानी ज़्यादा डालें, गाढ़ा करना है तो पानी कम रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर ये जो मंगोड़ी है ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसको खाने के लिए स्टीम राइस के साथ बड़ी अच्छी लगती है। नहीं तो जैसे आप नॉर्मल खाना बनाते हैं, आप रोटी है, सब्जी है, कड़ी है या दाल है, कड़ी होती है या दाल होती है नॉर्मली, लेकिन इस तरह से जब हम कड़ी को बनाते हैं, जब इस तरह से या तो सब्जी डाल के या ये मंगोड़ी डाल के, तो ये सब्जी और दाल दोनों का काम कर लेती है ये कड़ी। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ बनानी होती है आपको, जैसे पंजाब में ऐसा बड़ा होता है कि कड़ी चावल पकौड़े डले हुए, बस एक चीज़ में काम हो गया। राजमा चावल एक चीज़ में काम है, दो चीज़ें, मतलब चावल के साथ में कुछ और ज़रूरत नहीं है,
इसी तरह से ये सब्जी का भी काम करती है, दाल का भी काम करती है। इसको पकाने के लिए अच्छी तरह से पकाना जरूरी। और ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई इसमें, क्योंकि चने की दाल है। मंगोड़ी जो है वो तो मूंग की दाल की है, लेकिन जो बेसन है वो चने की दाल का है, वो चने का है, तो इसलिए उसको कच्चा नहीं रखना है। जैसे मूंग की दाल को हमने देखा ना भुना अच्छी तरह से, मंगोड़ी को भुना, इसी तरह से जो बेसन है इसमें से कच्चा फ्लेवर चला जाए उसके लिए अच्छी तरह से इसे पकाना पड़ता है। भूनने की जरूरत नहीं है, बस इसको पकाएंगे तो कच्चा फ्लेवर निकल जाएगा। मतलब कड़ी का ऐसा होता है कि जब इसके अंदर खासतौर से गाढ़ी कड़ी होती है तो इसमें जो जब तक उसे अच्छी तरह से आप पकाए नहीं तब तक कच्चा फ्लेवर जाता नहीं है। कड़ी को कड़ना पड़ता है, काढ़ काढ़ के बनती है बढ़िया कड़ी। मसाला मंगोड़ी कढ़ी बनाने के लिए आधा कप मंगोड़ी, 3 बड़े चम्मच बेसन, 3/4 कप दही, 130 ग्राम भुना मसाला, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच राई, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें तोड़ी हुई और 12 से 15 कड़ी पत्ते। मसाला मंगोड़ी कढ़ी बनाने के लिए एक बोल में बेसन और दही डालकर अच्छी तरह फेंट ले, फिर भुना मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाए और 2 कप पानी डालकर तब तक फेंटे जब तक चिकना मिश्रण तैयार हो जाए जिसमें कोई गुठली ना रहे। एक गहरे नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें राई, सूखी लाल मिर्चें, कड़ी पत्ते और मंगोड़ी डालकर 3 से 4 मिनट तक भून ले। अब इसमें दही बेसन का मिश्रण डाले, अच्छी तरह मिलाए और बीच बीच में चलाते हुए पकाए जब तक चाहे जितना गाढ़ा हो जाए। सर्विंग बोल में निकाल ले, पके चावल के साथ गर्मा गर्म परोसे।